शांति शांति अंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति कामशान्तिः शान्तिः क्रोधशान्तिः शान्तिः ब्रह्मशान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामशान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 जिन छात्रों का आज समावर्तन है वे अग्निहोत्र संपन्न कर सूर्योदय के पूर्व अपने अपने कक्ष में चले जाएं और सूर्यास्त के पश्चात ही कक्ष से बाहर निकलें। जिन छात्रों का आज समावर्तन है वे अग्निहोत्र संपन्न कर सूर्योदय के पूर्व ही अपने अपने कक्ष में चले जाएं और सूर्यास्त के पश्चात ही कक्ष से बाहर निकलें। सभी उपस्थित व्यक्ति अपना व अपने साथ लाए पड़े का संपूर्ण विवरण दवारी को लिखाएं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। देवी, तक्षशिला के प्रसिद्ध श्रेष्ठी अष्टावक्र अपने बहुमूल्य पढ़ने के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा जाए। जो आज्ञा देवी। दासी, इस कृपा के लिए मैं देवी का आभारी रहूंगा। देवी की सेवा में ये समुद्र के मोती उपस्थित कर रहा हूं। ताम्रपर्णिक नदी के संगम से उपलब्ध ये मोती हैं। पांडेवाटक, पाशिक्य, चौरणेय व कर्दमिक मोती भी हैं मेरे पास। यदि देवी अभिलाषा व्यक्त करें तो कौलेय वह हेमवत मोती भी देवी की सेवा में उपस्थित कर सकता हूं। सभी मोती दोष रहित हैं देवी। मोतियों की मालाएं भी हैं मेरे पास।
सिर्फ अब सत्य ही बोलोगे। हाँ, मेरा प्रण अटल है, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। भूख से मर रहे हो तो भी नहीं। मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और राजा के वधिक तुम्हारा वध कर दे तो भी नहीं। मृत्यु पर मैं विजय पा चुका हूँ। और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें पीटे तो भी नहीं। मैं पत्नी का दास नहीं हूँ। क्या तुम ये सच कह रहे हो? इस विषय में मैंने मौन व्रत रखने का निश्चय कर लिया है, पर असत्य नहीं बोलूंगा। सने बढ़ रहा है, ऐसी सूचना सीमा रक्षक लाया। दुष्ट पर्वतेश्वर ने हमारे साथ धोखा किया है। द्वारपाल, अंतपूर्व नगर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं और कैकेयी को उसके आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया जाए। कुमार, महाराज पर्वतेश्वर सीमा रक्षकों का सम्मान करते हैं, अब भी उनसे वार्ता कर विवाद समाप्त कर। मैं भारत का द्वारपाल नहीं हूँ पिताजी, जो पर्वतेश्वर की सभा में खड़ा होकर उसे प्रणाम करूं। शीघ्र ही कहां लुप्त हो गए थे आप मंत्रीवर? सूर्योदय से पूर्व मंत्री और गुप्त रूप से नगर से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। अरे मूर्खो, ये समय किसी को मंत्री बनाने का नहीं है। सेनापति सीरन कहां है मंत्रीवर? मैं नहीं जानता देव। मंत्रीवर को मुक्त करो और सेनापति सीरन को ढूंढो, शीघ्रता करो। समस्त राजपदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाए, अविलंब युद्ध की घोषणा की जाए, शीघ्रता करो। Senapati Siaran!
तुम मुक्त हो सेनापति। सेनापति? नाम मतलब तुम सेनापति का। मर गया वो तुम्हारे लिए। स्त्री नहीं है तू, बेड़ी है। पतन का मार्ग है तू। उसे प्रेम का नाटक करती थी। नाटक करते करते तुमसे सचमुच प्रेम करने लगी हूँ सेनापति। इसीलिए मुझे उस तहखाने में ढकेल दिया था, मरने के लिए। क्या मिला इस कृत्य के बदले तुझे? कलंकिनी, और किसके साथ प्रेम का निर्वाह करने के लिए ढकेल दिया था मुझे उस अंधे कुएं में? जाओ सेनापति, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर एक बात सुनते जाओ।
कल प्रातः मैं केकय के लिए तक्षशिला छोड़ दूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अंतिम क्षण तक नगर द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं महाराज पर्वतेश्वर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में मांग लूंगी सेनापति। केकय ने तक्षशिला पर आक्रमण किया? शुभदेव, क्या केकय ने तक्षशिला पर आक्रमण किया? पूछ रहे थे ना, किससे प्रेम के निर्वाह के लिए मैंने तुम्हें अंधे कुएं में धकेला? मैंने अपनी मातृभूमि केकय से प्रेम का निर्वाह किया है सेनापति। ये तुमने क्या किया शुभदेव? मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है सिंहरण। अब तुम जा सकते हो। जाओ वरना कहीं तुम्हें खो देने के डर से मैं तुम्हारी हत्या न कर बैठूं। मेरे लिए आत्महत्या के अतिरिक्त और कौन सा रास्ता छोड़ा है तुमने शुभदेव? मैं किस मुंह से अंबिराज के समक्ष जाऊं? निर्णय तुम्हें करना है सेनापति। तक्षशिला में क्या हो रहा है पिताजी? ये सब तेरे भाई की मूर्खता का परिणाम है। केकय राज ने हम कूटयुद्धस्य मातृका योगगूढोपजापार्थम् तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम् किसी देश या समय को निश्चित कर जो युद्ध घोषणा की जाती है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। दुर्गों को जलाना, लूटपाट करना, व्यसन अथवा प्रमाद के समय शत्रु को पीड़ित करना, एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरे स्थान से धावा बोलना, यह कूट युद्ध कहलाता है।
विष अथवा औषधि के प्रयोग के द्वारा अथवा गुप्तचरों के उपजाप द्वारा शत्रु का विनाश करना तूष्णी युद्ध कहलाता है। आचार्य, कुलपति ने पाठ विराम के लिए कहा है। तक्षशिला पर केके का आक्रमण हुआ है। आज यहीं विराम करते हैं। ओम। स्वागत है केके के वीरों का। केके का मंत्री इंद्रदत्त अंभिराज को प्रणाम करता है। केके का सेनापति व्याघ्रपद आपको प्रणाम करता है। प्रणाम कुमार। केके के वीर आसन ग्रहण करें। आप हमारे पूज्य हैं अंभिराज। हमें आसन की नहीं आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। तक्षशिलाधीश, हम यहां मंत्रणा के लिए, मित्रता के लिए आए हैं। कुमार की उपस्थिति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंत में कुमार को ही तो हमारे संबंधों का निर्वाह करना है। कुमार, बैठिए मंत्रीवर। बैठिए कुमार। पिता के समक्ष पुत्र खड़ा नहीं रहता। वैसे भी मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तक्षशिलाधीश, महाराज पर्वतेश्वर ने आपको प्रणाम कहा है। पर्वतेश्वर को इस विजय की बधाई देना मंत्रीवर। तक्षशिला की पराजय में केकई की विजय नहीं हो सकती देव। यह हमारी पराजय है तक्षशिलाधीश, कि हम दो राज्यों के भविष्य का निर्णय शांति से नहीं शस्त्रों से करते हैं। कब तक हम निर्दोषों का रक्त बहा अपने माथे पर तथाकथित विजय का तिलक लगाते रहेंगे। रक्त आप बहा रहे हैं मंत्रीवर। कुमार, आप सर्वथा निर्दोष तो नहीं है कुमार। केकई को तक्षशिला की भूमि की चाह नहीं है। जो भूमि आपकी है वो आप ही की रहेगी। दूसरों की भूमि पर अधिकार करना हमारी संस्कृति नहीं है कुमार। इसके लिए मैं दोषी हूं मंत्रीवर। प्रश्न आपके दोषी होने या नहीं होने का नहीं है अंबिराज। प्रश्न भारत की सीमाओं की सुरक्षा का है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। यदि इसी प्रकार सीमा प्रदेशों में संघर्ष चलता रहा तो वे सुरक्षित नहीं रहेंगे कुमार। आपके कथन में गांधार के सीमा प्रदेशों को हड़प करने की इच्छा ही व्यक्त हो रही है। आप केकई को गलत समझ रहे हैं कुमार। तक्षशिला के हित में ही केकई का हित है। यदि तक्षशिला सुरक्षित रहेगी तो केकई भी सुरक्षित रहेगा। पर आपके राज्य में केकई के विरुद्ध विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका केकई खुलकर विरोध करता है। आप तक्षशिला पर आरोप लगा रहे हैं। आप तक्षशिला नहीं है कुमार, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। आप संधि की बात करने आए हैं या आरोप लगाने? यदि केके राज अंबिराज का सम्मान नहीं करते तो मैं आज आपसे एक विजेता की तरह बात करता कुमार। तुम बाहर जाओ कुमार। मैं तो यहां ठहरना भी नहीं चाहता था।
मेरे पुत्र को क्षमा करना मंत्रीवर, असहाय हूं, पर पर्वतेश्वर से निवेदन करना कि भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। एक बूढ़े विवश पिता की ओर से पर्वतेश्वर से क्षमा मांगना। आप हमें लज्जित कर रहे हैं तक्षशिलाधीश। समावर्तन के अवसर पर इतना अवश्य कहूंगा कि जिस क्षण से गुरुकुल ने तुम्हें स्नातक घोषित किया, उसी क्षण से तुम्हारी दूसरी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अब देखना यह है कि गुरुकुल की शिक्षा को कितना तुम अपने जीवन में उतार पाते हो। सत्यनिष्ठ मूल्यों को आदर्श की संज्ञा दे, अपने सुखों के समाधान के लिए उनसे बचने का प्रयास करोगे तो यह आडंबर होगा। सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर अपने कुल और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, यही गुरुकुल की तुमसे अपेक्षा है। अनमिवा।